द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर पद्मा शर्मा की लिखी कहानी अंतिम विदाई। उसका मन आशंका से घिर गया। जैसे ही गली में कदम रखा, उसे चाची के घर के सामने भीड़ दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गई कि इतनी भीड़ किस लिए। हठात उसने सोचा, कहीं सोनू। फिर अपने आप ही बड़बड़ा उठी, नहीं नहीं, कल रात एक्सीडेंट की खबर मिली और आज सुबह वह ट्रेन में बैठकर यहां आ गई। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो याद आया कि चाची जी ने फोन कर यही कहा था, चोट मामूली है, सोनू के जीवन को कोई खतरा नहीं है। फिर उसने घर पर भी फोन लगाकर बात की थी तो पापा ने भी यही कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम आकर देख जाओ तो अच्छा रहेगा, उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। यह तो वे अंदाजा लगा रही थी कि ग्वालियर भेजने का मतलब है चोट ज्यादा ही होगी। गली में प्रवेश कर घर की ओर चलते चलते उसने अपने मन को समझाया कि एक्सीडेंट की खबर सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए होंगे और आज कल हो रहे एक्सीडेंट पर चर्चा हो रही होगी। उधेड़बुन में वह घर के निकट आ गई। चाचा के घर की दीवार से ही कामना के घर की दीवार लगी हुई थी। वह पहले अपने घर में जाकर सारी जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन जाने क्या हुआ कि किसी भीतरी प्रेरणा से अनायास उसके पैर चाचा जी के घर के चबूतरे की ओर ही मुड़ गए। बाहर कई पुरुष इकट्ठे थे। उसे तेज झटका लगा। अंदर हिचकियों में डूबा गमजदा माहौल था। बैठक का कमरा महिलाओं से भरा हुआ था। सबके चेहरे दुखी और उतरे हुए, प्राय सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिलख रही चाची के रुंदन के स्वर कानों में पड़े तो उसने उन्हें ताका। वे कामना को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी और उठकर कामना की ओर लपकी। चाची की हालत खराब थी। सदा सिर पर पड़ा रहने वाला पल्ला एक ओर गिरा पड़ा था। कामना अब भी माजरा पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका मन अनिष्ट की आशंका से भर उठा। उसने मुश्किल से चाची को संभाला और जमीन पर बैठ गई। पड़ोस की अम्मा जी ने रुदन भरे स्वर में बताया, उसकी सांस तो सुबह 4 बजे ही उखड़ गई थी। उसका पोस्टमार्टम होना था, इसलिए घर पर भनक तक नहीं लगने दी। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उसको लेकर आ रहे हैं, तैयारी कर लो। अम्मा जी का अंतिम शब्द तैयारी कर लो कामना को अंदर तक हिला गया। थोड़ी देर तक तो वह अपने आप को संभाले रही, पर खुद को रोक नहीं पाई और बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद कामना की निगाहें रश्मि को खोजने लगी। सोच रही थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। 15 दिन ही तो हुए थे दोनों के विवाह को, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी अभी। उसने देखा चाची की दोनों बड़ी बहुएं महिलाओं के बीच बैठी हैं। फिर नजर आया नीचा सिर किए रश्मि भी उन्हीं के पास बुत सी बनी बैठी है। इच्छा हुई कि उसके पास पहुंच जाऊं, लेकिन पशोपेश में पड़ गई कि किन शब्दों से दिलासा देगी वह रश्मि को। उसे समझ में नहीं आया, इसलिए रश्मि से बात करने का ख्याल उसने भीतर ही दबा लिया। वह भी गमजदा चेहरे लिए अपने से बैठी नाते गोते की औरतों के बीच बैठ गई। थोड़े समय बाद ही सोनू का निर्जीव शरीर लेकर दोनों भाई आंगन में आ गए। वे दोनों हताश से वहीं बैठ गए। बड़ा भाई डकरा कर कहने लगा, हमने तो डॉक्टर से कहा था हमारा सब धन जायदाद ले लो, पर हमारा सोनू वापस कर दो, हमारा तो भाई चला गया। दूसरा बोला, जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता, कोई अपने साथ धन संपत्ति कुछ नहीं ले जाता, सब यहीं धरा रह गया। सोनू के मुंह पर पड़े कपड़े को हटा दिया गया था। चाची उससे लिपट लिपट कर रो रही थी और विलाप कर रही थी, मेरा लाल तू कहाँ चला गया,
तू तो थोड़ी देर बाद आ रहा था, क्या इस हालत में आया है? तू गया तो उसको भी ले जाता, उसे कौन के भरोसे छोड़ गया? अरे नाश हो वे मोटर वाले का, मेरे लाल को मार डाला। सोनू की देह पर चाची दहाड़े मारती रो रही थी और कामना सोनू की बातें याद कर रही थी। उसके आते ही वह खातिरदारी के लिए घर सिर पर उठा लेता, चहकते हुए 2 दिन का प्रोग्राम फिक्स कर लेता और जब तक बात नहीं मनवा लेता पैर पकड़े बैठा रहता। पर आज कितना शांत पड़ा था। उसके शरीर पे से कपड़ा हट गया था, नीचे देखा कि उसका शरीर पॉलिथीन में लिपटा हुआ था जो खून से लथपथ हो रही थी। फिर भी उसका हसमुख चेहरा ज्यों का त्यों था, ऐसा लग रहा था कि अभी बोल उठेगा। सभी लोग रो रहे थे, केवल रश्मि पत्थर की मूरत के समान चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर ना कोई भाव था और ना ही कोई प्रतिक्रिया, शरीर में कोई हलचल भी नहीं थी। वह निर्विकार भाव से सब देख रही थी। लोगों में कानाफूसी होने लगी, अरे इसको तो रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगी, अरे पत्नी का रोना तो जरूरी है, यही तो छाती पीटेगी, उसे बताओ उसका सुहाग चला गया है। कुछ महिलाओं ने उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया, कई औरतों की आवाजें आने लगी, तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम रो, देखो देखो सोनू को क्या हो गया। बड़े प्रयासों के बाद वह रोई तो नन्हे बच्चे की तरह हिया फाड़ कर, किसी काटी जाती बछिया की तरह डकारने लगी। उसकी चीख सुनकर कामना भी संवेग शून्य होती जा रही थी। पहले ऐसा मौका कभी नहीं आया था जब उसने पार्थिव देह को इतने पास से देखा हो, वह भी इतनी असामयिक और विभत्स मौत। कामना ने रश्मि को देखा, उसके मासूम चेहरे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था, कितना प्यारा चेहरा लग रहा था। उसे लगा अब ये सब चीजें उससे छीन ली जाएंगी, बिना सिंदूर और बिन बिंदी के उसका चेहरा कैसा लगेगा। चाची तो स्वयं विधवाओं को विधवाओं की तरह रहने की पक्षधर हैं। याद है कि यही पड़ोस की एक नन्ही लड़की जब खाली हाथ हो गई थी और वे बिंदी लगाए चूड़ी बिछिए पहने घूमती थी तो चाची ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। कामना की तंद्रा भंग हुई, चाची विलाप कर रही थी। उन्होंने अपनी बिंदी और चूड़ी उतारकर फेंक दी और कहने लगी, ईश्वर तुम्हें सुहाग ही चाहिए था तो मेरा सुहाग ले लो, पर मेरी बहू का सुहाग वापस कर दो। कहते हुए अपना सिर दीवार पर पटकने लगी। वे बीच बीच में बड़बड़ाती जा रही थी, रश्मि आज से तुम हमारी सोनू हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वे कुछ देर रुकती फिर बोलना शुरू कर देती थी। वे कहने लगी, मुझे मालूम होता कि मेरे सोनू की उम्र इतनी कम है तो मैं कभी उसका ब्याह नहीं करती, इसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। कामना ये सब सुनकर स्तब्ध थी। उसे लग रहा था कि चाची बहू को ही दोष देगी कि तुम मेरे बेटे को खा गई, लेकिन चाची ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वे रश्मि के प्रति सहानुभूति दिखा रही थी। कामना को लग रहा था कि हो सकता है सबके सामने चाची रश्मि को कुछ नहीं कह रही हैं। सोनू चाची का सबसे लाडला बेटा, सबसे छोटा होने के कारण लाड का हकदार भी, इस वजह से रश्मि भी चाची की लाडली बहू है। लेकिन इस स्थिति में हर औरत बहू को ही डाकन मानती है, जो कामना को लग रहा था कि बेचारी रश्मि, बेचारी रश्मि। ये वाक्य चाची ने उस दिन कहा था जिस दिन सोनू के ब्याह के बाद रश्मि ने रसोई में प्रवेश किया था और इतने बड़े परिवार के लिए खिचड़ी बनाई थी। दरअसल रश्मि अल्लड़ थी और अबोध भी, सुंदर ऐसी कि प्लास्टिक की गुड़िया लगे। उसकी सुंदरता देख दूसरी बहुएं जल भुन गई थी।
स्त्री सुलभ ईर्ष्या के कारण। बचपन में माँ मर गई सो माँ के लाड की भूखी थी। चाची को देखा तो हुलस कर रो उठी। चाची भी द्रवित हो उठी थी। फिर दूसरे दिन अपनी अटैची में से निकाल कर अपना बचपन का एल्बम के फोटो सबको दिखा रही थी कि एक फोटो देख चाची काट सी हो गई। बचपन में रश्मि को किसी ने लड़के के कपड़े पहनाकर फोटो खींचा था। वे फोटो सामने था। कामना ने टहोका तो चाची ने यादों में बुदबुदाते हुए कहा, ऐसी ही तो लगती थी चिम्मी, मेरी चिड़ैया। फिर लंबी सांस खींचकर रश्मि को खींचकर सीने से लगा लिया था। सब चकित थे। जालिम सास के रूप में ललिता पवार को लजा देने वाली चाची में ये परिवर्तन, और सबको याद आ गई थी चिम्मी, चाची की सबसे छोटी बेटी जो बचपन में ही अकस्मात चल बसी थी। तब से चाची रश्मि में बहू नहीं, संभवतः बेटी देखने लगी थी। सोनू की पार्थिव देह कफन में लपेट कर अंतिम यात्रा पर चल पड़ी थी। औरतें क्रंदन कर रही थी। कई घंटे ऐसे ही बीते। घर के पुरुष अंत्येष्टि करके वापस आ गए थे। कामना ने कंधा देने वाले पुरुषों के कंधों पर तेल लगाया जिससे उनके कंधों से अर्थी का बोझ उतर जाए। रिवाज के अनुसार विवाहित लड़कियां रुकती नहीं हैं। कामना भी जाने लगी तो चाची की याचक निगाहों ने उसके पैर बांध दिए। वे फूट फूट कर रोने लगी। फिर फुसफुसाती हुई बोली, तुम रुक जाओ कामना, तुम्हारी रश्मि से खूब पटती है। तुम चली जाओगी तो उसे कौन दिलासा देगा। उन्होंने कामना का हाथ पकड़ लिया। कामना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप खड़ी रही। उसके मनोभाव को ताड़ते हुए उन्होंने कहा, बेटी नल पर नहाकर मंदिर के दर्शन कराओ, वापस जाने का रिवाज हो जाएगा। कामना को फिर झटका लगा। चाची जैसी रूढ़िवादी महिला आज इतना आधुनिक कैसे सोच रही है। कामना वहीं ठहर गई। चाचा के तीन बेटे हैं, दो बड़े बेटे हैं और उनकी बहुएं भी हैं। सोनू तीसरा बेटा था, बेटी कोई नहीं थी। बड़े भाई की बेटी कामना को ही इस घर में बेटी का दर्जा मिला हुआ था। पूरे कुटुंब में चाची तेज तरार और हटीली मानी जाती थी। वे रीति रिवाजों का बखूबी पालन करती थी। यहाँ तक कि उनके चेहरे से लाज का पल्ला भी नहीं उघड़ता था। जब वे अपनी बात पर अडिग हो जाती तो चाचा जी भी कुछ नहीं कर पाते थे। उनके कारण ही चाचा और पापा में बंटवारा हो गया था। सभी चाची के लड़ाकू स्वभाव से परिचित थे जिसकी खबर आसपास के तमाम बिरादरी भाइयों में भी फैल गई थी। फलस्वरूप कोई भी अपनी बेटी उनके घर में देने से झिझकता था। अभी 15 दिन पहले ही की तो बात है, मुश्किल से एक गरीब घर मिला जब सोनू का विवाह हुआ था। दरवाजे पर बहू बेटा लेते समय रश्मि के मायके से आई डलिया में गुना यानी मैदे का बना गोल कंगन की आकृति का खोजा गया, वह नहीं मिला। शायद रश्मि के घर के लोग वह रखना भूल गए होंगे। तब चाची ने हाय तोबा मचा डाली थी। वे जिद कर रही थी कि गुना के गोल घेरे से बहू का मुंह देखा जाता है। कामना ने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया, तर्क दिया कि पहले हाथ के कंगन से ही बहू का मुंह देखने का रिवाज था, लेकिन उस समय सभी के पास सोने चांदी के कंगन नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैदे के कंगन का तरीका निकाल लिया गया होगा। उसके पास तो सोने के कंगन हैं, आप उसी से बहू का मुंह देख लो। मेरी ससुराल में तो आटा मैदा के कंगन की तरफ कोई देखता तक नहीं। वहां मेरी भी मुंह दिखाई सोने के कंगन से ही हुई थी। चाची ने अंततः कामना की बात मान ली थी। आज तीसरा दिन था। रश्मि का श्रृंगार उतारना था। पड़ोस की महिलाएं जैसे ही उसकी चूड़ियां उतारने लगी, चाची अरावली पर्वत की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, इसका ये रूप मैं कैसे देख पाऊंगी। इसको देख देख कर और ज्यादा याद आएगी कि मेरा सोनू नहीं है। इसे ये सब चीजें बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, कहकर वे गिड़गिड़ाने लगी।
उसके रुंदन में इतनी कसक, इतनी वेदना और इतनी तड़प थी कि महिलाओं के हाथ रुक गए। उनमें से एक बोली, तुम ठीक कहती हो कस्तूरी, लेकिन आज के दिन सब भौएं अपना सुहाग का सामान नया पहनेंगी, इसका भी तो सुहाग का सामान बदल लेना चाहिए। रश्मि को भी वे सब सामान नए पहनाए गए। वे फिर से नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। चाची उससे लिपट कर रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। कामना बीच में 6 मासी के लिए चाची के यहाँ आई तो पता चला कि चाची ने रश्मि के दहेज का सारा सामान एक कमरे में बंद करके रख दिया है। सब काम निपटने के बाद चाची कामना को एकांत में ले गई और धीरे से बोली, कम्मो अब तो तू एक अच्छा सा लड़का देख दे, उसने सुखी कहाँ भोगा है। हम अपने आगे रश्मि का ब्याह कर दें तो हमें शांति मिल जाएगी। देख, इसका सारा सामान कमरे में बंद कर दिया है, जिससे इसका सामान कोई भी काम में न ले। ये यहाँ रहती है तो भौवें इससे बहुत काम कराती हैं, इसलिए मैं इसे कभी कभी मायके पहुँचा देती हूँ। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। थोड़ा रुक कर वे फिर से बोली, मुझे मालूम होता कि मेरा सोनू एक जन्म भी इसका साथ नहीं दे पाएगा तो मैं इसे ब्याह कर नहीं लाती, कहकर वह बिलखने लगी। कामना उन्हें दिलासा देते हुए सोच रही थी कि चाची का यह विचार तो बहुत अच्छा है। वह पुनः बोल उठी, देख उसके माँ बाप तो गरीब हैं, यही ब्याह उनने बड़ी मुश्किल से किया था। तुम रुपए पैसे की चिंता मत करना, हम करेंगे शादी, हम करेंगे कन्यादान। कामना को चाची के चेहरे पर अडिग निश्चय का भाव दिखाई दिया। ये सब सुनकर वह निश्चिंत हो गई कि चाची रश्मि का ख्याल रखेगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। समय निकलते देर नहीं लगी, रश्मि का भी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। चाची ने हट कर उससे परीक्षा दिलवाई थी। जब रश्मि ने ही फोन कर बताया कि चाची रात को जाग जाग कर उसे चाय पिलाती थी और परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करती थी, तो कामना भी चाची के बदलते मात्र हृदय पर खुश हो गई थी। सोनू को गुजरे पूरा 1 वर्ष बीत गया था। कामना रश्मि के दुख को भूलकर अपने परिवार में व्यस्त हो गई थी। अचानक चाची का फोन आया। उन्होंने बताया कि रश्मि की शादी तय कर दी है, लड़का बैंक में है, उसकी पत्नी भी एक एक्सीडेंट में चल बसी थी, शादी का मुहूर्त जल्दी आ निकला है, इसलिए सब काम तेजी में चल रहा है। चाची का कहना था कि कार्ड का इंतज़ार नहीं करना, जल्दी आ जाना। शादी की नियत तिथि आ गई थी। कामना अपने परिवार के साथ वहां आई। विशाल पांडाल लगा हुआ था, चारों ओर रोशनी जगमगा रही थी। चाची चमकीली साड़ी पहने सामने से आती दिखाई दी। वे कामना से गले मिली, बोली, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। बारात आई, लड़का सुशील और व्यवहारिक लगा। शादी की सभी रीति परंपराएं चल रही थी। अचानक एक बहस का मुद्दा पंडितों के बीच चल पड़ा कि लड़की की एक बार भावर पड़ जाती है तो दूसरी बार नहीं पड़ती। कुछ देर तो चाची शांत होकर सुनती रही। वे लाज की ओर से सब देख सुन रही थी। वहाँ कई बुजुर्ग भी थे, उनके सामने चाची ने कभी चेहरा भी नहीं उघाड़ा था, फिर मुंह कैसे खोलती। ये बहस चलते बहुत देर हो गई। लड़के वालों की तरफ का पंडित भी यही कह रहा था, हाँ शास्त्रों में भी यही नियम है। चाचा शांत मुख दर्शक बने बैठे थे, पर चाची कहाँ शांत रहने वाली थी। वे विनम्र किंतु ऊंची आवाज में बोली, फेरे तो पड़ेंगे, फेरे से ही तो पति पत्नी बनेंगे, वचन हरेंगे तभी तो शादी का महत्व समझेंगे। जब लड़के के फेरे हो सकते हैं तो लड़की के फेरे क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ देर तक पल्ले की ओट में सबके चेहरे तके, फिर बोली, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन शास्त्र रचे किसने हैं, हम तुमने ही ना।
फिर उसमें फेरबदल भी तो कर सकते हैं। चाची का तर्क काटने की हिम्मत वहां किसी में नहीं थी। चाची की बात सुनकर कामना खुश हो गई थी। अभी तक वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब चाची की हाँ में हाँ मिलाने लगी। चाची के दोनों बड़े बेटे कामना को एक तरफ ले गए। एक बोला, जो कुछ हो रहा है वो ठीक है दीदी, लेकिन मम्मी के पास खर्च करने के लिए इतना रुपया कहाँ से आया? दूसरा बोला, हमें तो चिंता है कि कहीं मम्मी सब इसी तरह ना लुटा दे। कामना भौचक सी उन दोनों के चेहरे को तक रही थी। बाहर से खुश लगने वाले ये इंसान कितना निकृष्ट सोच रहे हैं। उस समय इन लोगों को शांत करने के उद्देश्य से वह बोली, सब कार्यक्रम निबट जाने दो, फिर बात करेंगे। रश्मि की विदा हो चुकी थी। कुछ रिश्तेदारों ने इस शादी का विरोध किया था, फलस्वरूप वे नहीं आए थे। जो आए थे वे भी विदाई के तुरंत बाद चले गए थे। शादी के बाद मंडप उखाड़ने के लिए कथा होनी थी, इसलिए कामना को रोक लिया गया। लेकिन मुख्य मुद्दा था कि रात्रि में घर की पंचायत होनी थी, बड़े बेटों के मन में जो द्वंद्व चल रहा था उसका फैसला होना था। रात्रि होते ही कमरे में सभी लोग बैठ चुके थे। कामना चाची की ओर मुखातिब हुई और बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दोनों पूछ रहे हैं कि शादी में जो खर्च हुआ है इतना पैसा कहाँ से आया? चाचा जी कोई उत्तर देते उससे पहले ही चाची ने आंखें तराते हुए कहा, जायदाद में सबको हक मिलना चाहिए। अब तुम लोग अपने अपने रहने का इंतजाम कर लो। इस हवेली को बेचकर हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। 8 लाख में बिकी है हवेली। तुम्हें 2-2 लाख मिल जाएंगे। 2 लाख हम दोनों डोकर डोकरी रखेंगे, उसी में बसर हो जाएगी। सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि मम्मी पागल हो गई हैं। बड़े ने हकलाते हुए पूछा, 2 लाख और कहाँ गए? चाची लंबी सांस खींचकर बोली, सोनू जिंदा होता तो उसको ये हिस्सा मिलता, इसलिए रश्मि की शादी में वो रुपए लगा दिए। सुनते ही दोनों बेटे बहुएं पैर पटकते हुए अंदर चले गए। चाची का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चाची आराम से बैठी थी, उनके चेहरे पर निश्चिंता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रश्मि की विदाई करके सोनू की अंतिम विदाई आज की है। बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कहानी। अगर हमारे समाज में प्रत्येक सास ससुर इसी प्रकार सोचें तो हमारे समाज में कोई भी बेटी ससुराल में दुखी ना हो। पर अफसोस, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ससुराल में बहू को बेटी का दर्जा तो छोड़िए, बहू का दर्जा भी नहीं मिलता। उसे मात्र बिना वेतन की नौकरानी समझा जाता है। फिजिकली तो नहीं बट मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट आज भी ऐसे परिवार मैंने देखे हैं। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहू को भले ही बेटी मत बनाइए, पर उसे बहू तो रहने दीजिए। खैर, अगर हम इस विषय पे चर्चा करने बैठे तो शायद ही ख़त्म हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।